हेलो एंड वेलकम माय स्टूडेंट माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल जब होते हैं तो उसे लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन कभी भी चाहे आर एस अग्रवाल पढ़ो चाहे एन सी आर टी पढ़ो, उसमें पहला क्वेश्चन आता है 4.1 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी। ठीक है, इनका वैल्यू बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 1.4x प्लस 2.7xy प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कंपेयर करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसी से कंपेयर करना है। एनसीईआरटी में जो बोला जाता है डायरेक्ट कंपेयर करके लिख दिया जाता है, लेकिन अगर कोई भी डेसिमल में नंबर दिया होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आर एस अग्रवाल का सलूशन होता है। परफेक्ट तुम्हारा एनसीईआरटी है, इसीलिए एनसीईआरटी का आंसर परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे जैसे a इक्वल टू 1.4 हो जाएगा, b इक्वल टू 2.7 हो जाएगा और c इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी तरह आप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन हो गया। इसमें हमें यह a b c बताना है। तो पहले देख रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax प्लस by है, यानी x और b दोनों एक तरफ हैं, तो इनमें भी x और y को एक तरफ करना होगा, एक साइड करना होगा। तो x यहाँ पे है, y को ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, y का ट्रांसफर कर देंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मेट है ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसी स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करते हैं तो a इक्वल क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू माइनस 3 और c हमारा यहाँ गिवन नहीं है, कोई भी अचर पद नहीं दिया है, यानी कि कांस्टेंट टर्म, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ एक्स वाई नहीं लगा होता है वो नहीं गिवन है, इसीलिए यहाँ 0 हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं जैसे 2x है और यहाँ ए एक्स है, तो इसको कंपेयर करते समय क्या कर देंगे कि एक्स भी लिख देते हैं, जबकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है तो 2 आता है। इसका बहुत ध्यान रखना है, साइन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो साइन का विषय ध्यान रखना, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस साइन लगाना है, कोई फ्रैक्शन दिया है उसको लिख देना है, फ्रैक्शन में लिखना है, जिस हिसाब में दिया जिस तरह दिया उसी से करेंगे। अब हम कह रहे हैं अगला क्वेश्चन जैसे आता है, फाइंड द फोर्थ सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन इक्वेशन। ये 4.2 नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता है जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 दे दिया गया, या कोई भी इक्वेशन दिया हो टू वेरिएबल होने चाहिए, एक्स और वाई होने चाहिए। अब इसका क्या करना है कि हमें फोर्थ सॉल्यूशन बताना है। फोर्थ सॉल्यूशन बताने के लिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई को ट्रांसफर कर दो, 5 माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में आ गई। अब यहाँ वाई इक्वल टू हम 1 रखें, वाई इक्वल टू 2 रख सकते हैं, वाई इक्वल टू माइनस 1 भी रख सकते हो और वाई इक्वल टू यहाँ 0 भी रखा जा सकता है। तो 0 जब हमें ग्राफ बनाना हो, हमेशा ध्यान रखना जब भी हमें ग्राफ बनाना हो एक को 0 लेना होगा, चाहे एक्स को ले लो चाहे वाई को 0 ले लो यहाँ। तो पहला हमने क्या लिया, पुट y इक्वल टू 1, तो यहाँ इक्वेशन रख रहे हैं x 5 माइनस 1, 5 में से 1 जाएगा कितना आएगा 4। नेक्स्ट करते हैं x 5, यहाँ हम पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 2, तो 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा आपका 3। एक माइनस नेगेटिव लेना भी जरूरी है तो यहाँ माइनस का हम 3 ले लेते हैं। अब हम पुट करेंगे y इक्वल टू माइनस का 3, तो x 5 माइनस तो हमारा लगा हुआ है पहले से, माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 3, 5 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, 8 आ जाएगा यहाँ। अगर हम y इक्वल टू 0 लेते हैं, y इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ 5 माइनस y 0 हो गया, x बराबर आ जाएगा 5। तो हमारे पास ये सारे सोल्यूशन आ गए, अब इनका टेबल बना के दिखा देंगे कि किस तरह से हमने क्या क्या पुट किया है। x इधर ऊपर होता है, y नीचे होता है, इसका खास ख्याल रखना है, ऊपर x नीचे y। अब हमने y को 1 लिया है, पहले 1 लिया है y को, तो x हमारा 4 आया, फिर हमने y को 2 ले लिया तो x 3 आया है, माइनस 3 लेने पे 8 आ गया, 0 लेने पे 5 आ गया,
इनकी वैल्यूज पुट करके हमने ये ग्राफ ये बना लिया। ये टेबल बन जाने के बाद अगला टॉपिक जो होता है ग्राफ, जिसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे।